प्यारियो धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी दे आगमन तो पहला गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह गुरता गद्दी ते सुभाईमान हन। जदों माता गंगा जी सतगुरां दे महल ने पर घर दे विच अजे औलाद नहीं है ते सतगुरु महाराज कृपा करन इन्हां नूं कई तरह के ताने मेहने जिहड़े ने प्यारे शरीखे वल्लों सुणन नूं मिलदे। आप जी नूं पता है बाबा पिरथी चंद गुरु अर्जन देव महाराज दा वड्डा भरा बड़ा विरोध करदा रहा कि किसे तरह गुरता गद्दी जिहड़ी आ मैनूं मिले, पर गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह ने गुरता गद्दी गुरु अर्जन देव महाराज नूं दित्ती। ते प्यारे पिरथी चंद बड़ा समा कई ढंग तरीकों के नाल विरोध करता रहा बादशाह दे तक पहुँच की थी कि किसी तरह यह गुरता गद्दी जड़ी है गुरु अर्जन देव महाराज को लैके तो मैनू दवाई जाए, पर प्यारे कोई भी इहदा चारा जदों ना चलिया अखीर इहनू चुप करके बैठना पिया। ते चुप कदों बैठा जदों इहनू यह पता लगा कि गुरु अर्जन देव महाराज के घर विच कोई औलाद नहीं है ते मेरे घर दे विच मेहरवान नाम दा पुत्तर है। ते जेकर गुरु अर्जन देव महाराज ने अगे गद्दी तोरनी होई ते जरूर मेरे पुत्तर मेहरवान नूं गुरता गद्दी मिलेगी। सो इस करके प्यारियो कई तरह के ताने मेहने भी माता गंगा नूं भी देंदे रहना बांझ रहन दे ताने देने, जिस करके फिर अज माता गंगा जी ने गुरु अर्जन देव महाराज दे अगे अरदास की, सतगुरु पातशाह जी ऐ मेरे सिर दे साईं धन गुरु अर्जन देव महाराज कृपा करो, शरीके दे बड़े ताने मेहने सुनन नूं मिलदे है ते आप ऐसी दया कर दिओ कि मैनू एक पुत दी दात एक औलाद दा सुख जिहड़ा मिल जावे। ते गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह सर्व कला समर्थ ने सब कुछ देण आ रहे आ प्यारियो, साचे साहेबा क्या नाहीं घर तेरा घर तां तेरा सब कुछ है, जिस देहे सो पावे दातै दात रखी हाथे अपना जिस पावे तस देई। दाते दे हाथ विच सारियां दातां हैगियां पर कई वारी सतगुरु ने माणियां नूं माण बख्शदा है। धन बाबा बुढ़ा साहब जी ब्रह्म ज्ञानी नाम दे रसीए जिन्हां ने पहले पातशाह तो लैके अज तक गुरु अर्जन देव महाराज की सेवा दे विच हर तरह के नाल प्यारियो योगदान पाया, किसी भी तरह की सेवा बाबा बुढ़ा साहब जी नूं करन नूं मिल जाती ते अगां वध के प्यारियो सेवा नूं करन दा यतन करदे सन। बड़ा माण सत्कार इस घर चों मिलदा है, जिस करके अज जदों माता गंगा जी ने प्यारे पुत की दात मंगी ते प्यारे गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने आख्या जे पुत दी दात लैनी है औलाद दा सुख चाहिए ते साडे घर दे सिख महान जिहड़े हन महान ब्रह्म ज्ञानी जिहड़े है उहने बाबा बुढ़ा साहब ते जा के उहनां दे कोल अरदास करो, उहनां दे कोल बेनती करो, उह तुहानूं इह सुख देणगे। ते माता गंगा जी इतिहास कहिंदा पहलां जदों गए सन ते प्यारियो रथां ते चढ़ सवार हो के कई अपने सेवादारां नूं नाल लै के ते घोड़ियां नूं दड़ाउंदिआं होइआं जदों बाबा बुढ़ा साहब कोल गए ते प्यारियो बाबा बुढ़ा साहब ने उदों पुछिआ सी भाई इह कहिड़ी घोड़ियां दी दौड़ जिहड़ी बड़ी आवाज़ आउंदी पई बड़ी धूड़ उड़दी है। ते इक सिख ने आख्या बाबा जी इह गुरू के महल आ रहे ने तुहानूं मिलण वास्ते। ते प्यारियो बाबा बुढ़ा साहब ने कहिंदे आ उदों सहि सुभाए कह भी दिता कि गुरु क्या नूं अज का दियां भाजड़ां पईआं। सो रहो विचार कई तरह दे इतिहास दियां सानूं विचारां भी मिलदियां ने, पर कहिंदे जदों पहली बार माता गंगा जी गए सन उदों खाली हाथ आउणा पिया। आण के माता गंगा जी ने गुरु अर्जन देव महाराज नूं दस्सिया कि बाबा जी ने मोड़ दिता ते गुरू साहब ने आख्या जदों कुछ लैणा होवे ते हमेशा ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਈਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਰੱਥਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਟੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
प्यारो अज भी आप वेखते हैं एक उदाहरण के वजो समझण के वास्ते कि जो आप किसी को कुछ मंगते हाँ किसी के घर जाने कि भाई सानू इन्ने पैसों की लोड़ है तू साड़ी मदद कर देगा तो उदो साडा सुभा किहो जिहा हुंदा बड़े आप निमाणे बड़े नताणे बड़े गरीब जे बन के जाने तो फिर मंगते हैं। इदा ही गुरु अर्जन देव महाराज ने आख्या माता जी माता गंगा जी नू आख्या महल सन गुरु साहब जी दे माता जी नू आख्या कि जेकर तुहानू पुत दी दात चाहीदी है तो तुसी इदा करो निम्रता धारण करके जाओ। बाबा बुढ़ा साहब जी दे बारे सुनिया जांदा उन्हां नू मिठा मिस्सा प्रसादा बड़ा पसंद आ गंढा नाल लै जाओ लस्सी लै जाओ। इदा फिर माता गंगा जी गए मिस्सा प्रसादा लै के एक गंढा तो प्यारो नाल लस्सी लै के गए ठंडी लस्सी तो सुभाविक ही उदो कृपा की वरती जो माता गंगा जी उत्थे पहुँचे है ना प्रसादा लै के बाबा बुढ़े साहब दे कोल ते इधर बाबे बुढ़े नू प्यास भी बड़ी लगी है तो भुख भी बड़ी लगी हुई सी प्यारे किसी नू खवाउण दा आनंद होर वध जांदा जो अगले नू भुख होवे जदों प्यासे नू पानी पियाईए तो आनंद होर वधदा जदों कोई रज्जिया आवे उदों कुछ दईए खा लिओ आनंद नहीं बनदा। पर अज बाबा बुढ़ा साहब जी जदों माता गंगा जी प्रसादा लै के आए आख्या बाबा जी तुहाडे लिए प्रसादा पानी लंगर लै के आए हैं। बाबा जी कहन लगे माता सानू अज वाकया ही भुख ते प्यास बड़ी लगी हुई सी चंगा कीता जी। तो माता गंगा जी ने उदों प्यारे हाथ जोड़े तो आख लगे बाबा जी मैं कुछ मंगण वास्ते आई हाँ कृपा करो मैनू एक पुत की दात दिओ ऐसी अरदास गुरु चरणा विच करो मेरे घर विच पुत होवे मैनू शरीखे दे ताने मेने जड़े सुनने ना पैण। तो माता गंगा जी दे इन्हां बोलां नू सुन के बाबा बुढ़ा साहब ने जो मिठा प्रसादे वाला पूणा खोलिया विचों गंढा निकलिया तो गंढा जड़ा पक्की थां ते रख के ते बाबे बुढ़े साहब ने प्यार सज्जे हाथ दे नाल जोर दे नाल गंढे दे उपर मुक्की मारी ते गंढा जड़ा प्यारो खिलर गया जां इदां कह लो जिवें कट्टी दा उदां उह प्यारो उहदे टुकड़े हो गए गंढे दे। ते बाबे बुढ़े साहब ने बचन किते माता गंगा जी नूं कि माता जिवें असीं मुक्की मार के इस गंढे नूं भन्निया है तेरे घर विच ऐसा पुत जन्म लवेगा जेड़ा जालमां दे इदां मुकियां मार के सिर भन दिया करेगा। ते बचन भी आउंदे आ भाई गुरदास जी दे कि वड़ जो दल भंजन गुर सूरमा वड़ जोदा बहु पारे पुकारी जां इदां कह लो पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी अर्जन काया परट कै मूर्त हर गोविंद सवारी चली पीड़ी सोडियां रूप दिखावन वारो वारे। सतगुरु पातशाह जी कृपा करन बाबा बुढ़ा साहब आखन लगे जिस तरह असी गंढा भन्निया इदा तुहाडा पुत्र जो है वह जालमां दे जुलम नूं भन्न देवेगा वह जालमां दे सिरां नूं भन्निया करेगा। तो समा पा के प्यारो सतगुरु पातशाह जी की कृपा होए धन गुरु अर्जन देव महाराज के ग्रह विखे माता गंगा जी की कुख तो मीरी पीरे दे मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का आगमन होया। बडाली का स्थान आ अमृतसर साहब की धरती है। सो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी कृपा करन 1695 जेड़े बिक्रमी संमत दसी जाती सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी कृपा करन जदों गुरु साहिबां का आगमन होया तो बड़े खुशी जड़ी आ मनाई गई। पर प्यारो इन्हां दे ताया जी दे घर दे विच अज भी सोग होया क्यों कि मेरे भरा दे घर दे विच अज पुत दा जन्म हो गया तो भरा तो बाद गुरता गद्दी किते इस पुत्र नूं ना दे देण ते मेरा पुत्र मेहरबान फिर खाली रह जाएगा इस करके उन्हां बड़ी ईरखा कीती छेवें पातशाह नूं कई तरह के नाल बचपन तो मारन मकाउण दा यतन किया गया। कई बार एक दाई नूं आखिया तू अपने दुध के उपर जहर ला के लै जा ते जदों बच्चे हरगोबिंद साहब नूं बालक नूं चुकेंगे गोद विच उहनूं अपना दुध पियावीं ते जहर उहदे मूँह च चलिया जाएगा खत्म हो जाएगा।
पर प्यारे बालक हरगोबिंद साहब ने दुध छपीता ना, जिहदे करके जहर जिहड़ा है उहदे अपने ही छाती नूं चढ़ गया ते जिहदे करके उह मुक गई। फिर प्यार इन्हां यतन कीता, बाबे पिरथी चंद ने एक बंदा भेजिया कि तू दही दे विच जहर मिला के ते बालक नूं पिया खवा दे, पर उदों दही गुरु हरगोबिंद साहब ने छकिया ना। तो बाद विच इसे ब्राह्मण नूं प्यारियो जिहड़ा दही लैके आया से, इनू प्यारियो अपने आप नूं उसूल जिहड़ी ऐसी चुभी जिहदे नाल इहदी मौत होई। फिर एक बार एक सपेरा जिहड़ा भेजिया जिहनूं प्यारियो आख्या गया कि जहरीला नाग जिहड़ा छड्डिया जावे हरगोबिंद साहब दे उपर, जिहड़ा डस के डंग मार के उहनां नूं मुका देवे। पर सतगुरु महाराज कृपा करन, सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने ऐसे कई बचन गुरबाणी दे विच फिर उचारण कीते ने कि आप परमात्मा ने इस बालक दे रखिया कीती है, कि बेशक कई ढंग दे नाल कई वार हरगोबिंद साहब नूं मारन मकाउण दा यतन कीता गया, पर अकाल पुरख ने अपना मेहर भरिया हथ जिहड़ा साडे बालक दे उपर सिर ते रख के उहदी रखिया कीती है। ते महाराज सच्चे पातशाह जी कृपा करदे कि मारिया राखा एको आप मानुख कह किश नाही हाथ, मारन वाला रखण वाला अकाल पुरख परमात्मा है। ते जिहदे सिर ते उस अकाल पुरख दा हाथ होवे उहनू प्यार कोई मार नहीं सकदा। सो सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने कृपा कीती, जदों ज्योति जोत समा गए पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज सतगुरां तों मगरों मीरी ते पीरी दियां दो तलवारां बाबा बुढ़ा साहब ने गुरु हरगोबिंद साहब नूं पहनाईयां, एक भगती दी प्रतीक सी ते एक शक्ति दी, भाव जे भगती करदिआं कोई तंग करे परेशान करे तुहानूं भगती करन तों रोके, अत्याचार होवे ते शक्ति दे नाल उहदा विरोध वी कीता जावे। सो सतगुरु महाराज ने कृपा कीती प्यारे, बड़ियां इतिहास दे विचों ऐसियां विचारां मिलणगियां जिथे सानूं पता चलदा कि बाबा बुढ़ा साहब जी दे बचन सच होए जो उन्होंने कीते सन।